अच्छे क्वालिटी और बेहद कम बजट में अब कुरकुरे, चिप्स, नमकीन और पास्ता का मशीन लगाएं और महीने का लाखों कमाएं। संपर्क करें रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन, नोएडा, सेक्टर 10, A35। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमेशा ही विवादों में रहने वाला सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल बिना नीट उत्तीर्ण किए 29 छात्रों के नामांकन सहित गलत तरीके से प्रिंसिपल के पद पर काबिज प्रजापति त्रिपाठी को कई बार सवाल उठते रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले 2 सितंबर को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल बनाए गए थे। जिसके बाद जांच कमेटी के द्वारा दिनांक को सिवान दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में करीब 22 घंटे तक चली जांच के बाद इस मामले में जांच कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी इसमें दोषी बताया था और जल्द ही इसकी रिपोर्ट राजभवन को सौंप कर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। एडमिशन हुआ है बिना नीट, प्रधानाचार्य ने स्वीकारा कि बिना नीट छात्र, जबकि और का नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई की हो, चाहे वो एमबीएस हो, चाहे डेंटल हो, होम्योपैथी, किसी भी अंकन नहीं हो सकता। और लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो छोड़ कर 29 स्टूडेंट्स का लिया, प्रिंसिपल ने लिया है और भाई चांस ने भी आप दोनों ने, चांसलर ने तो यहाँ तक कहा कि ना तो उसका रजिस्ट्रेशन में जानता हूँ, इच्छा हो गई है उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया है। घंटे घंटे का वीडियोग्राफी उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीज़ों को कुछ नहीं जानते हैं, जो अपना है कॉलेज से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, जिसको पढ़ने से नहीं होता है। चांसलर भी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कि अंदर एक कॉल चांसलर को तो ये पढ़ने से काम। इस जाँच में कौन कौन से, इस जांच में मतलब कौन कौन लोग शामिल, मतलब सदर के रूप में, और सदर रूप में एक तो मैं हूँ चेयरपर्सन, और दूसरे चार जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो एफरा जी वो हैं, और जे यूनिवर्सिटी छपड़े अंसारी। निर्भीकता को करता हूँ, आपकी जागरूक प्रणाम करता हूँ, आप लोगों का चैनल में देखता हूँ, वीडियो क्लिप आते रहता है, आप लोग पत्रकार हैं और लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, आपको नमन है। चलो, लेकिन इस जांच के करीब 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि इस जांच की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया और जब आरटीआई द्वारा भी इस जांच प्रतिवेदन की मांग आरटीआई एक्टिविस्ट इंतखाब अहमद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर द्वारा की गई तो भी इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन इस पूरे जाँच के बाद बनाई गई रिपोर्ट, जिसको आज तक दबा कर रखा गया था, अब मीडिया के सामने आ गया है और इस रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य दोषी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो जांच कमेटी ने राजभवन को सौंपी थी, लेकिन सवाल यह है कि अब जब जांच कमेटी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर राजभवन को सौंप दिया तो फिर इस रिपोर्ट को आज तक किसके इशारे पर दबाकर रखा गया और दोषी आज तक बचे रहे? क्या इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? अब सिलसिलावार तरीके से जानिए रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने क्या लिखा था। उपयुक्त गठित जांच समिति से माननीय कुलपति तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्षता में दिनांक 16/9/22 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा दिनांक 12/10/22 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जांच किया। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, वीडियोग्राफी एवं कागजात तथा अन्य अभिलेखों के जाँच उपरांत जो बातें और साक्ष्य प्रकाश में आई वो निम्न है। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख बनाया गया, जो विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध है। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी संकाय प्रमुख बनाए जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी सेवानिवृत्त होकर कैसे 67 वर्ष की आयु के बाद संविधान नियोजन पर कार्य कर रहे हैं? शासी निकाय कैसे विगत फरवरी में 70 वर्ष की उम्र तक सेवा विस्तार दे दिया है? जांच के क्रम में पाया गया कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सिवान के सत्र 19-20 के छात्रों का परीक्षा पर कुलपति द्वारा सुनियोजित ढंग से दिनांक 16/4/22 को ही तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनय कुमार को मिली भगात से प्रकाशित कर दिया गया था।
खाना पूर्ति के लिए दिनांक 19/4/22 को परीक्षा समिति में इसे प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रति कुलपति ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई, परंतु कुलपति के बिना लिखित आदेश के ही परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया, जिसे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने भी स्वीकारा है कि 29 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए था। ये वीडियो में भी रिकॉर्ड है। यह आश्चर्यजनक है कि 2/9/19 से 5/10/19 तक उन्होंने बिना नीट पास किए 29 छात्रों के नामांकन महाविद्यालय में बिना रसीद नंबर दिए ही ले लिया था, जिसकी सूचना NCISM न्यू दिल्ली दरभंगा एवं राज्य सरकार से भी छिपाई गई। प्रथम दृष्टया ये एक धोखाधड़ी का कार्य प्रतीत होता है एवं निश्चित दिनांक 20/2/22 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बाद छात्रों का नामांकन लिया गया है। अंत में जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि धारा 10, 5, 8 एवं 11 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा द्वारा नाहीं किया गया है, जिसके कारण दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं 29+1 30 छात्रों का भविष्य आधार में है। अतः कुलपति धारा 10 के विभिन्न उपबंधों में प्रदत्त अपने अधिकारों का उचित प्रयोग न करने के चलते महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने एवं 30 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोषी मानते हुए जांच समिति माननीय महामहिम ने अपने स्तर से ऐसे कुलपति के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही के लिए निर्णय लेने हेतु प्रतिवेदित करती है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, शशि निकाय के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों द्वारा सदस्यों सहित तथा लेखा सहायक एवं नामांकन प्रभारी को 29 अवैध छात्रों के नामांकन में संलिप्तता को देखते हुए इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त निलंबन करने के साथ विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करती है। साथ ही प्रधानाचार्य की योग्यता नहीं रहते हुए भी प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने, वेतन प्राप्त करने एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के एवज में उनसे वसूली करने की भी अनुशंसा करती है। जांच समिति इस बात की भी अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय के शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए तदर्थ समिति बनाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब उच्च स्तरीय जांच समिति ने दोषियों पर कार्यवाही करने की अनुशंसा में अपनी रिपोर्ट में कर दी थी, फिर आज तक इस रिपोर्ट को किसके इशारे पर दबाया गया? दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल इस पर संज्ञान लेंगे और दोषियों पर कार्यवाही होगी, या मंगल पांडे के सहयोगी संजय पांडे, जो इस कॉलेज के शासी निकाय के सचिव भी हैं, के प्रयास से इस मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? देखते रहिए न्यूज़ इन तक।